फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी एक बार डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ बट मैं ये सोचने लगा कि भाई कंटेंट से मतलब कंटेंट भी बहुत जरूरी है ना वीडियो के लिए तो या थोड़ा सा यू नो नोश्ल और टेन टेन जीबी के ब्लॉग होते हैं बहुत मेहनत से एक्सपोर्ट होते हैं मैकबुक में बट उसी के बीच मैंने एक सजेशन लिया कि मैं ना एक दिन ब्लॉक डालू सेकंड डे गैप थर्ड डे ब्लॉक डालू फोर्थ डे गैप मतलब एक ब्लॉग के बाद एक दिन गैप ये ना मेरे लिए भी बहुत बेटर हो जाएगा और जिनको डेली चाहिए उनके लिए भी

इसको ओपन किसने कर दिया भाई जो मेरे फ्रेंड्स बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो मैंने नाम लिखवाया है ना वो थोड़ा सा हाईलाइट करना है आई एम सॉरी ये थोड़ा इग्नोर करना थोड़ी सी गंदी है कार ये थोड़ा ना यहाँ पे बड़े हैंड राइटिंग में करना है बट मैं इसलिए नहीं करवाता क्योंकि ना मेरे को बहुत हाईलाइट नहीं करना होता है मतलब यू नो थोड़ा रिसेंट सा ये मैंने इसलिए करवाया था कि मैकविल के कलर भी न, है यही है तो इसलिए ना मैंने नॉर्मल सा करवाया बाकी मेरे को बहुत हाईलाइट नहीं पसंद था अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा स्कैम हो जाता मैंने ना ओला का चार्जिंग यहाँ पे रखा था और वो गेट ओपन हो रहा था और अगर वो ओपन हो जाता और यहाँ पे चार्जिंग था वो तो मैंने रोक लिया गेट चार्जिंग था तो वो गेट ओपन हो जाता ना तो पूरा चार्जिंग डैमेज हो जाता और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है चार्जिंग तो ना एक बार हमने दो तीन चीजें से रखी थी ना तो वो टूट के उस तरफ चले जाती टूटी जाती मतलब ये गेट का वेट बहुत है ना स्कैम हो जाता क्योंकि ओला का चार्जिंग भी बहुत महंगा था अराउंड फिफ्टीन या ट्वेंटी का चार्जिंग है स्कैम हो जाता फिफ्टीन का मैं ले रहा हूँ यहाँ से चार्जिंग भाई ये चार्जर इतना फास्ट है ना इस बहुत फास्ट है घर के चार्जर से भी फास्ट होता है कार में चार्ज सिर्फ अराउंड वन आवर में ना फुल चार्ज ऑलमोस्ट हो जाता है भाई ये स्मेल कैसे आ रही है अच्छा ये कपूर की स्मेल है हम क्या करते हैं कार में ना कपूर रखते हैं वो कपूर होते हैं ना जो हर कार में इतनी फ्रेश एंड पीसफुल स्मेल आती है हर कार में भाई पर इसमें कुछ ज्यादा स्मेल आ रही है फॉर्चुनर में तो कुछ ज्यादा स्मेल आ रही है भाई क्या आशी, हो गया प्रिपेयर हाँ भाई प्रिपेयर ही है इतना इजी पेपर है तो क्या प्रिपेयर करना उसका पर एक बात तो है जब भी एग्जाम होती है ना तो हम लास्ट डे पे ही याद करते हैं ये तो यार है ही प्रॉपर उससे पहले से एग्जाम याद करते हैं ना तो याद भी नहीं होता और टाइम भी वेस्ट जाता है वो भी है तो फिर सोच अगर हम पहले से याद करे तो हम टॉपर बन सकते है ना आराम से बन जाएंगे टॉपर पर बनना नहीं है हमें

इसमें कलर बहुत अट्रेक्टिव पहले लाइट दे देते दे कलर हाँ पहले लाइट था अभी थोड़ा डार्क ग्रेडिंग कर दिया घर मैं आपको एक फैक्ट की बात बोलू यहाँ पे देखो वन टीबी मैंने एक फोन लिया था और उसकी प्राइस है बट मैंने जो लिया था नो वन नाइनटी फाइव का था मतलब सोचो 15, 16 से महंगा था अब प्राइस ड्रॉप हो गए मतलब फिफ्टीन भी ऑब्वियसली ड्रॉप हो गई प्राइस तो दोनों की प्राइस ड्रॉप हो गई तो बहुत सस्ते हो गए मैंने 11 में लिया था अगर आपको फोर्टी एट जीबी और वन टी बी स्टोरेज चाहिए फोर लैक बट इसमें जो एक्सपोर्ट होगी ना वीडियो बताए ब्रो इसमें ब्लॉग बहुत स्पीड मैक्स हो सकता है एकदम सुपर फास्ट गैस अभी जो मेरे पास मैकबुक है ना उसमें 20 मिनट ऑलमोस्ट लगता है एक्सपोर्ट करने बट इसमें ना सिर्फ तीन चार मिनट में हो सकता है भाई ये बहुत फास्ट प्रोसेसर है 16 कोर सीपीयू भाई मतलब सोचो पूरी अलग ही चीज है देख भाई क्वालिटी देख इसकी गाली कितनी क्लियर है एकदम you know तो इवेंचुअली अभी हुआ क्या कि 15 सॉरी 16 प्रो मैक्स है वो ना गाइस है ही नहीं अवेलेबल मतलब 256 अवेलेबल है बट और फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जी बी वन टीबी वो अवेलेबल है और मेरे जो फोन है ना वो वन टी बी और दूसरा जो है वो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जी बी है मतलब मैं अभी ली भी नहीं सकता क्योंकि वो दोनों अन है बट आई देखते हैं इस बार ना बहुत डिले किया वालों ने अभी मौसम देखो क्या हो गया है भाई कितना अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट अभी सिर्फ पांच बजे है मौसम देखो इसका चार्जिंग जो चलता है ना मैं भूल ही जाता हूँ वैसे तो मैं लिटरली लेकिन मैं बहुत यूज करता हूँ तब भी ना ऑलमोस्ट हो जाता है मतलब काम मेरा मैंने रिव्यूज में बहुत देखा था कि इसको ना चार्ज बहुत करना पड़ता है इसकी बैटरी हेल्थ बहुत होती नहीं है मेरे को तो यार ऐसा कुछ नहीं लगा सो बेसिकली वन साइड है थार रॉक्स एंड सेकंड साइड थार और दोनों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं हो थार रॉक्स थोड़ी लग्जरियस रेंगुलर रूबिकॉन बनाने की थोड़ी कोशिश है तो दोनों यार अपने आपने बहुत नेक्स्ट लेवल है वायदे हुए अभी तो मैंने देखी नहीं है लाइफ कैसी दिखती है था रॉक्स बट दिखे यहाँ के शोरूम में भी ना अवेलेबल ही नहीं है जो भी चीज आती है वो अवेलेबल ही नहीं होती यार यहाँ पे अलेक्सा के अलेक्सा को क्या हुआ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा आई डोंट नो इसको चेक करना पड़ेगा देखो यहाँ पे तो अनेबल ही है आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है तो ये गाइज मैं अभी समझा क्या प्रॉब्लम था गाइज मैंने अपडेट ही नहीं किया था एलेक्सा अभी एकदम परफेक्ट है अलेक्सा ओपन यूट्यूब ये हुआ ना गाइस परफेक्ट दैट्स इट गाइस तो आई होप वीडियो मजा होगी लाइक like करना शेयर करना और जो नहीं सब्सक्राइब मत करते सब्सक्राइब कर लेना गाइस काफी लोगों को मैं यहां पे चेक कर रहा हूं सब्सक्राइब तो करते हैं बट बेल आइकन ऑन नहीं करते तो गाइस बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन मिले तो और सबसे पहले आप मेरा व्लॉग भी देख पाओ तो मेरे को भी अच्छा लगा तो यार तब तक लेट इट डांस सेफ एंड गुड बाय आई डोंट नो इसको चेक करना पड़ेगा